यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ के हजरतगंज के रामतीर्थ वार्ड में पहुंचे, जहां पर उन्होंने सामुदायिक केंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान वार्ड विकास निधि ने यह बताया कि आम जनता के लिए सामुदायिक केंद्र खुलने से आम जनता को सहूलियत मिलेगी। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि मैनपुरी चुनाव हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और हम मैनपुरी का चुनाव भी जीतेंगे। और इस दौरान हमारे संवाददाता अविनाश ने डिप्टी सीएम और पार्षद से खास बातचीत की है और मैनपुरी में चुनाव का क्या माहौल है ये जानने की कोशिश की है। जनता नरही में नागेंद्र चौहान जी ने नगर निगम से सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराया है। आज नगर अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी, हमारे मनीष जी और चौहान साहब और सारे वरिष्ठ हमारे जो कार्यकर्ता हैं नरही के, सबकी उपस्थिति में जनता के लिए खोला जा रहा है और सबके घर में, जिसके घर में मुंडन हो, पसनी हो, बर्थडे हो, सब लोग आकर के यही करें। और बुकिंग का इंतजाम चौहान साहब किसी नगर निगम के कर्मचारी बैठक कराएंगे। उनके नरही के पार्षद नागेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं, आज सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन किया है जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। आज ये सामुदायिक केंद्र जिस तरीके से का निर्माण किया गया है, क्या कहेंगे, किस सुविधाओं के? भैया बहुत ही प्रॉब्लम थी, एक नरही जो एक हमारा ये जो बस्ती है बहुत घनी बस्ती है और निम्न लोग के लोग ज़्यादा यहाँ निवास करते हैं, ठेले वाले, खुंची वाले, मजदूर, छोटे लोगों, मतलब गरीब लोग ज़्यादा यहाँ हैं। उनके शादी ब्याह की हो, चाहे उछाव बदाव हो, मुंडन संस्कार, कोई भी अगर घर में जो उनकी शुभ कार्य करना हो तो यहाँ व्यवस्था नहीं हो, जगह नहीं हो, क्योंकि बड़ी सक्रिय गली है। एक हमारे यहाँ म्यूनसिपैलिटी स्कूल था जिसमें ये लोग शादी ब्याह मुंडन वगैरह कर लेते थे, तो मेरे दिमाग में आया कि ये शौचालय है, ये शौचालय चीड़ चीड़ था और टूटा फूटा था, इसके स्थान में बगल में इसके शौचालय बनवा दिया गया। ये तो लगातार रही क्षेत्र में जो पार्षद है नागेंद्र चौहान, उनका लगातार प्रयास रहता है कि जन सुविधाओं के लिए जो समस्याएं हैं उनको दूर करें और साथ ही जो जरूरत चीज़ें हैं उनका निर्माण किया जाए। लखनऊ से रोहित श्रीवास्तव के साथ, मैं अविनाश, एमके न्यूज़ लखनऊ।